नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे नो योर फूड सीरीज़ में गर्मियों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग वाटरमेलन, या उसको कह सकते हैं तरबूज, जैसे बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग लैंग्वेज में मतीरा या जो भी आप कहें कलिंगर, इस तरीके से तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है गर्मियों के लिए स्पेशली। तो आप अगर गर्मी में रेगुलर अगर आप तरबूज खाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो वाटर जो एलिमेंट बॉडी का जैसे कम हो जाता है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अब उसको क्या क्या उसमें गुण है, कैसे खाना चाहिए, किन किन को खाना चाहिए और किन किन को थोड़ा कम मात्रा में या कंट्रोल क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि तरबूज की जो तासीर होती है वो ठंडी तासीर होती है। तो आप सोचिए, भगवान ने जब एक्स्ट्रा गर्मी होती है तो हमको वाटर रिच फ्रूट्स देते हैं ताकि बॉडी में पानी की कमी नहीं रहे, और ठंडी प्रकृति के फ्रूट्स देते हैं ताकि आपकी बॉडी में आप अच्छे से जो गर्मी बढ़ रही है वो अंदर से शरीर हमारा कूल रहे, शांत रहे, और जो भी उसका जो पित्त बढ़ रहा है उसको शांत कर पाए। तो तरबूज पित्त शामक है, कफ और थोड़ा सा वात के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये तीनों दोषों में ही बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अब इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे जनरली क्या कहा जाता है, तरबूज एक वाटर रिच फ्रूट है, तो ये बहुत अच्छे न्यूट्रिशन है बॉडी में। जैसे हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं, जैसे विटामिन बी के लिए, B6 के लिए, सी के लिए विटामिन, जैसे थोड़ा बहुत उसमें ई भी होता है इस तरीके से, जैसे मैग्नीशियम भी होता है बहुत सारी चीज़ों में, साथ ही साथ पोटेशियम के लिए उस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप इसे लीजिए। तो अब इसको किस तरीके से लेना है, जैसे आप कोशिश कर सकते हैं कि सुबह एक ब्रेकफास्ट में जैसे आपने वाटरमेलन खाया तो वाटरमेलन को अच्छे से काट लीजिए, और या फिर उसी के अंदर से आप स्कूप करके और फिर उसे लीजिए, अच्छे से चबा चबा के लीजिए। और अगर आपको जैसे उसका, कई लोगों को वो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है उसको खाने से, ऐसा होगा क्योंकि वो तरबूज आपके पानी पेट में जाते ही पानी जैसा हो जाता है। तो अगर आपके पेट में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन रहेगा या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे वो प्रॉपरली मोशन साफ नहीं हो पा रहा है, तो इंटेस्टाइन्स में हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए दर्द या ब्लॉटिंग हो, लेकिन तरबूज उनको रेगुलर यूज़ से अपने आप ही ठीक कर देगा। तो अगर आप रेगुलर तरबूज का यूज़ करेंगे, थोड़ा हल्का सा काला नमक डालकर, अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम रहता है तो उसको अवॉइड कीजिए, अदरवाइज़ थोड़ा सा उसमें काला नमक, थोड़ी सी जीरा, भुना हुआ जीरा डालकर आप उसे लीजिए, तो आपको देखेंगे ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, जो आपका बॉडी का वाटर जो एलिमेंट है वो बैलेंस रहेगा। अब साथ ही साथ जैसे कईयों को बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है या बहुत जल्दी धूप में जाते हैं तो हीट स्ट्रोक होने का डर रहता है बच्चों के लिए भी, तो ये बहुत अच्छा फ्रूट है बच्चों के लिए, रेगुलर यूज़ में लें। एक तरीका इसका ये भी है कि आप बच्चों को तुरंत दें, ये नहीं कि कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा तरबूज काटा, उसको थोड़ा खाया और उसको फ्रिज में रख दिया या कहीं ढक के रख दिया। तो तरबूज को विद इन 10 मिनट्स में जितना आपने काटा है उसको आप उसी समय कंज्यूम कीजिए, या तो आप छोटे साइज़ का लीजिए या फिर जितना काटा है उसको खा लीजिए, बाकी किसी जैसे आप एनिमल को, जानवर को दे सकते हैं। आप उसको 10 से 15 मिनट बाद नहीं खाइए, क्योंकि तरबूज की जितने भी वाटर रिच फ्रूट्स होते हैं उनको काट के उनको रखा नहीं जाता है 10 मिनट से ज़्यादा। अगर रख लेते हैं तो फिर वो बॉडी में जैसे उसमें ज़्यादा जल्दी बैक्टीरिया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, तो फिर आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ होंगे ही होंगे। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, वेट को मैनेज करने के लिए, वेट को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप रेगुलर ब्रेकफास्ट में तरबूज का ब्रेकफास्ट करें। कोशिश कीजिए कोई भी फ्रूट है, जैसे हम और भी वीडियोस में कहते हैं कि अपने फ्रूट केवल सुबह सबसे बेस्ट देते हैं, 12 बजे तक सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद 4 बजे तक खा सकते हैं, 4 बजे बाद या रात को हमको फ्रूट्स नहीं खाने हैं, रात को आप पका हुआ भोजन लीजिए। सुबह से लेकर 4 बजे तक आप आराम से कोई भी प्रकृति की नियामत कच्चा भोजन जैसे कर पाएँ, तो उसमें हम वाटरमेलन को इंक्लूड कर सकते हैं, और वाटरमेलन के साथ कोई भी फ्रूट इंक्लूड नहीं करना है, वाटरमेलन को केवल एक अकेला ही खाना है। आप उसको जितनी क्वांटिटी में आप खा पाएँ एक मील के रूप में वाटरमेलन खाएँ, तो आपके वेट को मैनेज करने के लिए, आपके न्यूट्रिटिव वैल्यू को बैलेंस करने के लिए, बॉडी में आयरन को और बढ़ाने के लिए, बच्चों को और स्ट्रेंथ देने के लिए, पुष्टिवर्धक बलवर्धक भी होता है साथ ही साथ, और बॉडी में जैसे आपको जो भी सॉल्ट जो भी जैसे पोटेशियम लेवल को बैलेंस करने के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है वो कोशिश कीजिए उसमें भुना जीरा, हल्का सा काला नमक, या फिर जैसे उस तरीके से कि बिल्कुल उसको तुरंत ही खाएं, उसको काट कर रखें नहीं, तो आप देखेंगे कि तरबूज भी उतना ही बेनिफिट है और बहुत ही टेस्टी फ्रूट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, और इसे सभी प्रकृति के लोग आराम से खा सकते हैं।
तो आराम से इसे सही समय पर सही मात्रा में सही तरीके से खाने पर ये पूरी तरह से बेनिफिट करेगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो आप हमसे कंसल्टेंसी के थ्रू क्लासेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।